सचिन पायलट 2 दिन के दौरे पर हैं। पायलट ने वादर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से संवाद किया। पायलट किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत ग्रामीणों से संवाद कर रहे सचिन पायलट ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कानून है जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा देने के लिए यह कानून लाया गया है, इसीलिए कांग्रेस इस कानून के खिलाफ जन जागरण अभियान चला रही है। इसका विरोध देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। तो सचिन पायलट 2 दिवसीय टोंक दौरे पर हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं और लोगों से मिल रहे। उन्होंने किसानों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जैसे ही वो टोंक पहुंचे बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। सभी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और जो कार्यकर्ता थे वो काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। चर्चा कर रहे हैं किसानों को, उनकी चेतना बढ़ा रहे हैं इन कृषि कानून के खिलाफ में। उस संदर्भ में आज मैं अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र टोंक में आया हूं और यहां के लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। इनकम कम हो रही, पिछले साल भर में तो और कम हो गई है। पूरी आर्थिक मदद देने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो परियोजनाएँ चल रही हैं उनको हम रुकने नहीं देंगे। अगर आर्थिक धन की ज़रूरत पड़ेगी हम कहीं ना कहीं इंतजाम करा के इन योजनाओं को रुकने नहीं देंगे। और जो प्लानिंग है ज़िले की और इस क्षेत्र की और शहर की उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी भी कई करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट चालू किए हैं, उसको समय से पहले पूरा कराएंगे।